एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली है। कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों से उनकी दवाई चल रही थी और वो डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने फांसी लगा दी। आखिर तो दोस्तों ये सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है और इससे आदमी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है और वो किस हद तक जा सकता है, यह समझना बेहद ही मुश्किल है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ उपाय जिससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। आखिर ये डिप्रेशन ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण आदमी जान दे देता है। प्रॉब्लम तो लाइफ में सभी को होती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती होगी या उसे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होंगी अपने लाइफ में। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, हर फील्ड में, सभी जगह है। चाहे आप जितना भी सोशली रहते हों या व्यक्तियों से बात करते हों या अपने फ्रेंड से बात करते हों, लेकिन जब तक अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस कारण आप डिप्रेस फील कर रहे हो उस प्रॉब्लम को जब तक आप शेयर नहीं करेंगे दूसरे के साथ, तब तक आपको इसका सलूशन नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर अभी अगर ऐसा फील करते हैं तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ शेयर कीजिए ताकि उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सके। दोस्तों अगर आप कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो उस प्रॉब्लम को जरूर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका अभी तक सलूशन नहीं बना है या सलूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम शायद आपसे पहले भी किसी ने फेस की हो तो वो आपको ज़रूर सलूशन बता सकता है। दोस्तों डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें आदमी को अंदर से अंदर ही खोखला कर देती है। दोस्तों डिप्रेशन का प्रमुख लक्षण होता है ओवरथिंकिंग, किसी भी चीज़ के बारे में रातों दिन 24 घंटे उसी की चीज़ के बारे में सोचना ही डिप्रेशन का प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, ना ही आपका दिमाग काम करता है, केवल आपका दिमाग उसी चीज़ के पीछे भागता है। दोस्तों इसी दूर करने के लिए आप कभी भी एक शांति के प्लेस पर चले जा सकते हैं, नदी तालाब या बीच पर भी जा सकते हैं, आप शांति सुबह पहले निकल सकते हैं या सोशली कोई फील कर सकते हैं या जहाँ पे सभी लोग बैठते हैं वहाँ पे बैठ सकते हैं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब प्रॉब्लम आप शेयर करेंगे तो ज़रूर आपको कोई ना कोई सलूशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आप अकेले इसका खात्मा नहीं कर सकते, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और ये अंतिम जाके आत्महत्या पर ही रुकती है। दोस्तों डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप कपालभाति अनुलोम विलोम योगा भी 10-10 मिनट सुबह शाम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप ये जब योगा करते हैं तो आपको अंदर से बेटर फीलिंग होती है और आपका माइंड सही तरीके से काम करने लगता है। या अनुलोम विलोम या कपालभाति 2-3 योगा आप डेली कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों डिप्रेशन से दूर होने के लिए आप ये योगा ज़रूर अपनाइए, क्योंकि योगा बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे बाबा रामदेव जी ने भी बताया है। अब दूसरी बात आप कहना चाहें कि अगर आप डिप्रेशन की तरह जैसी बीमारी से संकट ग्रस्त है तो आप ज़रूर बाहर टहलने जाएं, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आप बाहर टहलने के लिए निकल जाएं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जिस दिन आप डिप्रेशन फील कर रहे हो या जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा हो तो आप सबसे पहले आप अपने 8 घंटे की नींद पूरा कर लें और अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखें, अपने निगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दें। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है प्रतिदिन आप सूरज की रोशनी में ज़रूर कुछ देर रहें, इससे आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, आप इसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों बहुत सारे लोग ध्यान लगा के ओम शब्द का जाप करते हैं, इससे उनको बहुत शांति महसूस होती है और इसे आप छुटकारा पा सकते हैं गंभीर से गंभीर बीमारी का। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स, एक थे कुछ टिप्स जो जिनको आप फॉलो करके आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों कभी भी आप अपना गलत का दम मत उठाइए कि आप सुसाइड कर बैठे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो या इसके बारे में ना पता हो तो ज़रूर पता कर लीजिए ताकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।